अब होगा असली मुकाबला। क्रेटा को टक्कर देने आ रही है टाटा की काली चिड़िया। टाटा ब्लैकबर्ड की लॉन्चिंग से लेकर कीमत तक हुआ लीक। क्रेटा से होगा इसका आमना सामना। टाटा लॉन्च करेगी काली चिड़िया, मारेगी ह्यूंडई क्रेटा की बात साहत में चोंच। ये न्यूज तो आपने पढ़ी होगी अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे। ये काली चिड़िया का आपने अपने YouTube फीड में एक आध वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें ऊपर लिखा होगा क्रेटा सेल्टॉस की खैर नहीं, टाटा की ये गाड़ी मचाएगी धूम वगैरह वगैरह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो क्या लगता है आपको, क्या आ रही है चोंच मारने टाटा की काली चिड़िया? और अगर कीमत और लॉन्चिंग लीक हुआ तो लीक होके गया कहां, या फिर किसी ने लीकेज ठीक कर दिया? खैर कुछ भी हो, इस काली चिड़िया यानी ब्लैकबर्ड का हाइप बहुत हो गया। मतलब फुल प्री लॉन्च प्रमोशन बिना पैसे खर्च किए। लोग ब्लैकबर्ड की खासियत और प्राइस तो ऐसे बता रहे हैं कि मानो वो खुद ही इसे लॉन्च कर रहे हैं, और YouTube पे तो इसे हर हफ्ते लॉन्च किया जा रहा है। खैर ये तो आजकल नॉर्मल है, कंटेंट चाहिए सबको। लेकिन ये ब्लैकबर्ड इतना उड़ी कहाँ से? ऐसा क्या हुआ कि हर जगह ब्लैकबर्ड छा गई और इसे लोग क्रेटा और सेल्टॉस से ही क्यों कंपेयर करने लगे? तो चलिए जानते हैं इसका सच। टाटा की ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में कार आती है, जैसे टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें इस टाइम इंडिया की दो ही कार का दबदबा बना हुआ है, क्रेटा और सेल्टॉस का। इसी बात को ध्यान में रख के टाटा ने एक चाइनीज कार मेकर चेरी के साथ मिलकर क्रेटा सेगमेंट यानी सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी बनाने का सोचा। इस बात की न्यूज लीक हो गई, उसके बाद से अब तक लगातार ये यूट्यूब और न्यूज रिपोर्ट्स में लॉन्च हो रही है। खैर टाटा और चेरी इस बात का प्लान कर ही रहे थे कि कोविड आ गया, फिर इंडिया चाइना बॉर्डर इशू, उसके बाद ये लीक ही रह गया और टाटा को ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। वैसे ब्लैकबर्ड की मार्केटिंग दबा के हो ही गई है तो टाटा को इसका फायदा उठा लेना चाहिए। हालांकि अभी टाटा का कोई भी प्लान नहीं है नई गाड़ी लॉन्च करने का। अब उनकी नेक्स्ट एसयूवी जो भी आएगी वो इलेक्ट्रिक होने वाली है, जिसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। अब हो सकता है उसके कुछ दिनों बाद ही इसमें डीजल पेट्रोल वाला इंजन भी दे दिया जाए। खैर मेरे हिसाब से तो इन्हें न्यू एसयूवी से पहले नेक्सॉन का फेसलिफ्ट लॉन्च करना चाहिए। आपको क्या लगता है टाटा की नेक्स्ट एसयूवी कौन सी होगी, और ये ब्लैकबर्ड वाली न्यूज आपने भी देखी है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।